नमस्कार, मैं हाजिर हूँ रवि कुमार आपके साथ और आज टाइम पर आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज, जो कि क्राइम न्यूज के साथ हाजिर हूँ। लगातार क्राइम जो है, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, क्राइम रेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन जो पड़ताल तरंग 24 न्यूज करके आया है, आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो सारी चीजें आज आपके सामने होंगी कि आखिर वे पुलिस जिले की कर क्या रही है। जिला सिर्फ एक नहीं, बल्कि मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 52-53 जिले जो बनने वाले हैं जिले, और जो जिला ऑलरेडी है, उन दोनों जिलों में भी मैं आपको बता दूं कि क्राइम का जो रेट है अच्छा खासा बढ़ रहा है। बात यह है कि अब जो है वजन के हिसाब से लोग जांच पड़ताल करने लगे हैं, यानी कि जो पुलिस की जो टीम है अब वजन के हिसाब से जांच पड़ताल करने लगी है कि वजन किधर है। सच या झूठ का फैसला तो सिर्फ कोर्ट कर सकती है, लेकिन जांच पड़ताल जो है करने वाला जो व्यक्ति है वो थाने में बैठे बैठे जांच पड़ताल करना चाहता है, मैदान पर उतरना ही नहीं चाहता। वो से शायद धूप लगने लगी है, गर्मी लगने लगी है, लू लगने लगी है, इसकी वजह से थाने में बैठे बैठे इंसान जो है अब जांच पड़ताल करता है। सामने वाले व्यक्ति को जब भी चाहे उठाकर 151 में बिठा कर मारपीट कर थाने भेज दिया जाता है। ये पुलिस के कारनामे हैं। ये सिर्फ एक जगह के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदात सामने आ ही जाती है। वैसे ही आपको मैं बताता चलूं कि अब जो ये ठंडे बस्ते की तरह जो पड़ा हुआ है, मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, जहां सबसे बड़ी चीज दावा करते हैं शिवराज सरकार कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस ऐसी भी है जो वजन के हिसाब से काम कर रही कि वजन किधर है, जिधर वजन है। आखिर में अगर कोई आरोपी हो या कोई अपराधी हो, अगर आरोपी के पास ही वजन है तो कहीं ना कहीं पुलिस उधर ही झुक जाएगी, बल्कि सच का फैसला या झूठ का फैसला कुछ कर ही नहीं पाती कि सच क्या है, उसके हिसाब से उसने जुर्म नहीं किया है, जिधर वजन हो जाए। आखिर में ये वजन क्या है, सवाल तो ये उठता है कि वजन क्या है, तो शायद अनुमान लगा सकते हैं आप कि वजन किस वजन की मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी चीज देखी जाती है कि जब जिले में नए एसपी आते हैं, उस दौरान सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पहले की तरह होती हैं थोड़ी उथल पुथल होता है। कई सारे गांजा के तस्कर, कई सारे दारू के तस्कर, शराब तस्कर, जो इतने तस्कर हैं कहूं, वो सारे धीरे धीरे पकड़े गए, जेल तक गए, लेकिन कितने महीने जेल रहेंगे, कुछ ना कुछ होता है और छूटने लगते हैं, और छूटते छूटते उनका वक्त गुजर जाता है और फिर से वो क्राइम पर उतर ही आते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि किस तरीके से पुलिस कार्यवाही करती है, लेकिन बात ये है कि जब 181 पर शिकायत करता है कोई तो क्या होता है। जिले भर में नहीं, पूरे प्रदेश भर में मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐसा सीएम हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया, उसने खुद बनाया, ताकि आम जनता को कोई परेशान अगर करे तो 181 के तहत वो शिकायत कर सके। तो आखिर में ये 181 जो है वो है क्या? 181 आम जनता जो परेशान है, जो किसी सरकारी व्यक्ति से पीड़ित है या उसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसके लिए 181 होता है। 181 पर लोग कॉल करते हैं, संपर्क करते हैं कि मेरे द्वारा ये आवेदन दिया गया था, उस पर कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, बल्कि मैं पीड़ित हूं इस व्यक्ति के द्वारा। लेकिन जब 181 होती है तो 181 का जो ये कार्यवाही करने के बजाय, बल्कि उस व्यक्ति को ही, उस शिकायतकर्ता को ही पुलिस उठा लेती है और उसी के फोन से 181 बंद करवाती है थाने में बैठकर। इतना ही नहीं, अगर उसके फोन में रिचार्ज नहीं है तो उसके फोन में रिचार्ज करवा के 181 बंद करती है। अगर वो व्यक्ति तानाशाही की तरह आनाकानी अगर करे तो ये भी समझ लीजिए कि उसके साथ मारपीट करके भी बंद करवाया जा सकता है, या कोई झूठा मुकदमा उसके ऊपर करके उसे जेल भी भेजा जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मामला आया है, जहां पर 181 को लेकर के पुलिस ने उसे पीट कर और थाने में बैठ दिया। अगर थाने में बंद करने के बाद फिर उसे जेल में भी डाला गया, सबसे बड़ी चीज देखने को मिल पा रही कि पुलिस आखिर में कर तो कर क्या रही है। मैं आपको बता दूं कि जिले भर में जो है इस टाइम पर देखा जा रहा है कि TI यानी कि ट्रिपल स्टार कहीं पर देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि कोई ऐसा, अगर जिले में 5 थाने हैं तो यह समझ लीजिए कि एक थाना हो सकता है कि कोई TI चला रहा हो, बाकी के पूरे थाने SI चला रहे हैं।
पुलिस कर्मियों की भी काफी कमी है, थाने में पुलिस कर्मी मौजूद नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार की कमियां हैं, ना कि सिर्फ पुलिस की। अरे भाई, जब कहीं भी वैकेंसी आएगी तभी तो पुलिस कर्मियों का सिलेक्शन होगा, और जब उसमें पुलिस कर्मी आएंगे तभी तो थाने में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं आए दिन धरना प्रदर्शन लोगों का फैशन बन चुका है। लोग जानते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी तो आम जनता भी परेशान होती है सिर्फ पुलिस के चलते। जब पुलिस कार्यवाही नहीं करती, जब 302 जैसे मामले में भी 302 अगर दर्ज नहीं होते, तब देखा जाता है कि आम जनता जब त्रस्त हो जाता है तो आम जनता को ही परेशान करना शुरू कर देता है, और चौराहे पर जो है देखा जाता है कि जाम लग जाता है, सबको जो है चौराहे पर रख दिया जाता है, और उसके बाद फिर पुलिस कार्यवाही करती है। तो क्या आम जनता घंटों परेशान नहीं हुई? इसकी वजह क्या है? सिर्फ पुलिस? क्या आम जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? होती है, लेकिन आम जनता इतना त्रस्त हो चुकी है इस पुलिस से कि कहीं ना कहीं वो मजबूर होकर रोड पर बैठना पसंद कर रही। यहां तक कि पुलिस के सही जांच पड़ताल ना होने की वजह से, ये जो वजन मैंने बताया आपको, जिधर वजन हो जाता है उसी की वजह से बेकसूर जो व्यक्ति होते हैं वो भी जेल जा रहे हैं। जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया वो जेल जा रहे हैं, जो अपराध कर रहा है वो बाहर घूम रहा। सबसे बड़ी वजह ये देखी जा रही कि ये हर जगह जो है क्राइम का रेट बढ़ने की जो ये वजह है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ गरीबों की बेटियों के साथ ही दुष्कर्म हो रहे हैं। आखिर में कैसे, क्या वजह मानेंगे आप? आपको खुद पता है कि जितने भी दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब के बेटियों के साथ ही दुष्कर्म हो रहा। क्या किसी अमीर के व्यक्ति के साथ या उसकी बेटी के साथ क्या दुष्कर्म का ऐसा मामला सामने आया? नहीं। तो क्या दुष्कर्म नहीं होता? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर में गरीब की बेटियाँ जो हैं वो ही शिकार कैसे बन रही हैं? गरीब ही अपराध क्यों कर रहा है? अमीर क्या अपराध नहीं करते? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीरों के पास बहुत कुछ होता है, उसी की वजह से वो अपराध से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने पैसे पर, अपने अमीरी पर उन्हें गर्व होता है और उसी में भी वो अपराध करते हैं, जिसकी वजह से लगातार ऐसे मामले देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जो अपराध है वो करते तो हैं लेकिन उनका अपराध छुप जाता है। छुपने की वजह सिर्फ वजन है। लगातार देखते रहिए तरंगड़ी 4 न्यूज पर, जो आपको बताता चलूं कि ये पूरी रिपोर्ट वो है जो जनता लगातार प्रताड़ित हो चुकी है पुलिस कर्मियों से, कि कोई भी व्यक्ति को जो न्याय चाहती वो न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर मुकदमा कर दे तो जिंदगी भर केस लड़ता रहता कि मैंने ये जो है कृत्य मैंने किया नहीं, लेकिन लास्ट तक पुलिस ने इतनी उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए, इतनी धाराएं लाद दी है कि कहीं ना कहीं उसे सजा होनी ही है, वो बच नहीं सकता। आपको हाल ही में देखा गया होगा आपके द्वारा कि तरंग 24 न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया कि एक सरपंच, ग्राम पंचायत मड़वा का सरपंच, जो कि सरपंच के साथ मारपीट हुई। क्या सरपंच कौन था? सरपंच सुरेश कुमार चौधरी। सुरेश चौधरी जो कि मड़वा का सरपंच है, उसके साथ मारपीट हुई, पुलिस ने मारपीट की। क्या एक जातिगत को लेकर के आपने मारपीट किया? और अगर मारपीट किया तो कानून तो सबके लिए है। क्या एसटीएससी की अगर वो डिमांड कर रहा है कि इसके ऊपर किसी व्यक्ति ने अगर मारा है तो उसके ऊपर एसटीएससी लगनी चाहिए, तो लगनी चाहिए या नहीं? अगर पुलिस लगा देती है तो क्या पुलिस ने अगर उसके साथ किया, और एक बात करूं कि जनता का जो प्रतिनिधि है, सरपंच गांव का जो मुखिया है, प्रधान है, उसके साथ अगर मारपीट हुई तो क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? शायद यहां भी वजन का हिसाब ही लगा है, इसीलिए आज भी वो तड़पता हुआ हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। जो गरीब है वो एडमिट ही रहेगा, जो अमीर है वो निकल कर बाहर रहता है, जो क्राइम करता है वो बाहर है, और जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आम जनता की तरह जो घूम रहा, जो अपना काम कर रहा, वो पुलिस के शिकंजे में या कहूँ कि जेल के अंदर बंद है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मामला है जिसे सुधार करने की आवश्यकता है। जो एसआई चला रहे, एएसआई जिनको जानकारी नहीं कि मुझे क्या करना है, चंद वजन के हिसाब से वो कहीं ना कहीं बट जाते हैं। सच क्या है उसका कहीं भी तुलना नहीं करते, और सबसे बड़ी बात कि आम जनता जग नहीं पाती। आम जनता तब जगती है जब उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत हो जाती है सब लेकर बैठ जाता है, और कुछ ही देर बाद वो घंटों भर में पुलिस वही लालच दे देती है उसे, और जांच पड़ताल करने के साहस देती कि मैं कर दूंगा, लेकिन आखिर में अपनी गलती मानकर वो कहती है कि हम एक बार फिर से देखते हैं, जांच पड़ताल करेंगे, मुकदमा करेंगे, न्याय करेंगे, लेकिन हमारा वही मुखिया घर का कहीं ना कहीं बिखर जाता है, टूट जाता है या मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह जाता है। इसकी भी वजह पुलिस ही बन जाती है।
अगर सही तरीके से न्याय होता तो शायद कहीं ना कहीं वो जिंदा होता। लगातार जुड़े रहिए, बहुत बड़ी खबर के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।